Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider, Nisha Sharma. So बच्चे, आज एक पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहूँगी. शायद आज बाहर बहुत शोर है, गली में टाइल्स लग रही हैं सामने वाले घर में, और ऐसे किसी को मना भी नहीं कर सकते, आपको पता. और बार बार सुबह से वेट कर रही हूँ कि कब वो रुके, कब मैं वीडियो बनाऊँ, बट वो रुकेंगे नहीं. और मुझे लगता है वीडियो बनानी भी बहुत ज़रूरी है, तो आज की वीडियो में थोड़ा सा बाहर का शोर हो सकता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना. प्लीज़ शायद मैं थोड़ा सा और तेज बोल लूँगी, और प्लीज़, क्योंकि अब ये रात तक होगा और मैं फिर वेट नहीं कर सकती, वीडियो तो बनानी है. हाँ, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आपके रीट के इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी के अंदर, और यूपी के इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी के अंदर, एमपी के इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी के अंदर ये वाला कंटेंट दिया हुआ है. स्पेशली रीट में तो खासकर दिया हुआ है, बट मैं हर जगह ऐड कर दूंगी, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा ये. द टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, कि इंग्लिश लिटरेचर के जो फॉर्म्स हैं कौन कौन से होते हैं. आपको बहुत डीप नहीं आएगा, जैसे एमए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को आता है, आपको बिल्कुल फॉर्मल आएगा. आपको पता होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर की कौन कौन सी जेनर्स होती हैं, कौन कौन सी विधा. जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि एकांकी होती है, नाटक होता है, उपन्यास होता है, नोवेल होते हैं, सेम उसी तरीके से बच्चे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, तो ब्रॉडली इंग्लिश लिटरेचर के अंदर तीन फॉर्म्स होती हैं. यदि हम बात करें तो थ्री फॉर्म्स होती हैं. वन इज पोइट्री, सेकेंड इज प्रोज, सेकेंड इज ड्रामा जो फेमस है, एंड थर्ड इज प्रोज. ठीक है, तो मेजर हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में थ्री फॉर्म्स होती हैं, पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज. समझते हैं वन बाय वन क्वेश्चन कैसे आएगा. सबसे पहली फॉर्म है पोइट्री. अब पोइट्री क्या होता है, जिसको आप नाटक बोलते हो, जिसको आप सॉरी कविता बोलते हो, है ना, जो पोएम वाली थीम होती है, जो कविता होती है, जो स्ट्रेंजा होती है, जो मीटर्स में लिखी जाती है, जो राइम में लिखी जाती है, वो होती है बच्चे पोइट्री. ठीक है, ड्रामा क्या होता है, जो ड्रामा जो नाटक वाली फॉर्मेट होती है वो ड्रामा होता है. ठीक है, प्रोज क्या होता है, जो एक कहानी वाली फॉर्मेट होती है, जो नॉवेल्स वाली फॉर्मेट होती है, ये प्रोज होता है. मतलब बेसिकली लिटरेचर में तीन फॉर्म्स होती हैं, और इनकी फिर सब पार्ट्स होते हैं कि भाई पोइट्री में ये आता है, ड्रामा में ये आता है, नॉवेल्स में ये आता है, और आपको एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी चीज़ से रिलेटेड. ठीक है, तो पोइट्री जो कविता वाली फॉर्म होती है, जिसमें स्टेंजाज होते हैं, मीटर्स होता है, राइम होता है, रिदम होता है. पोइट्री इज अ स्पॉन्टोनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग विच इज रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. आपको जरूरत नहीं, इंग्लिश वाले बच्चों को जरूरत होती है, लिटरेचर वालों को. विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोइट थे जिन्होंने कहा था कि पोइट्री एक ओवरफ्लो है फीलिंग्स का, कि बंदे में जब बहुत सारी फीलिंग्स इकट्ठी हो जाती हैं और जब वो ट्रैंक्विलिटी एकांत में होता है, उनको रिकोलेक्ट करता है, याद करता है, तो पोएम्स निकल आती हैं. मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पोइट्स सेइंग द डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस अबाउट द पोइट्री, बट यू डोंट नीड टू गो विद सच डेफिनेशंस बिकॉज यू इन रीट एंड यूर टेट एग्जाम्स सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है, तो जो पोइट्री है जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सब फॉर्म. ठीक है, तो पोइट्री की फॉर्म को डिस्कस कर देते हैं. सबसे पहले ड्रामा में डबल एम भी लगा देते हैं भाई, इट्स नॉट ए बिग इशू, कई बार लगा देते हैं कई बार नहीं. पोइट्री की सबसे पहली फॉर्म होती है एपिक. एपिक होता है जिसको आप महाकाव्य बोलते हो. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द पोइट्री इज कॉल्ड एपिक. एपिक होता है जिसको आप महाकाव्य बोलते हो. महाकाव्य इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम. एपिक की आपको ना सिर्फ डेफिनेशन गिवन होंगी और पूछा जाएगा कौन सी लिटरेचर की जर्नर है, कौन सी फॉर्म है. तो एपिक क्या होता है, लॉन्ग नरेटिव पोएम. लॉन्ग नरेटिव पोएम मीन्स एक लंबी सी जो पोएम होती है, जो लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, जिसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा, कोई एक बहुत सीरियस मैग्नीट्यूड, एक सीरियस सा टॉपिक गिवन होता है, एक एक्स्ट्रा सीरियस टॉपिक गिवन होता है, लॉन्ग नरेटिव जो पोएम होती है, डेट इज कॉल्ड एपिक. तो वो चीज़ बच्चे क्या कहलाती है, एपिक कहलाती है. तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन गिवन होगी, द लॉन्ग नरेटिव पोएम हैविंग एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब एक बहुत हाई लेवल की, जो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड होता है एक लैंग्वेज का, उसके अंदर किस कोई भी हीरो होता है, एक हाई सोसाइटी का हीरो होता है, और उसकी कहानी को जो है दिखा दिया जाता है, तो डेट इज कॉल्ड एपिक. जैसे अपने रामायण एंड महाभारत द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ हिंदू मिथ्स, है ना, ऐसे ही जैसे इंग्लिश लिटरेचर में मिल्टन का है द पैराडाइज लॉस्ट, ग्रेटेस्ट एपिक. एपिक के बाद होता है मॉक एपिक. मॉक एपिक क्या होता है, ये एपिक की नकल होता है. कहने का मतलब ये महाकाव्य की नकल है, कहानी में स्टाइल में नरेशन में बिल्कुल महाकाव्य होगा, लेकिन इसमें जो थीम होती है वो एक ट्राइबल सी थीम होती है. ट्राइबल होती है एक तुच्छ, मतलब एक छोटे से इवेंट को लेके, स्मॉल इवेंट को लेके आप बहुत बहुत एक्सटेंड कर देते हो, बड़ा चढ़ा देते हो, तो डेट इज कॉल्ड मॉक एपिक. मीन्स यू कैन से मॉक एपिक इज एपिक वी हैविंग एन अ स्मॉल इवेंट एंड वी शोज दैट इवन इन एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड. इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी मैं, डोंट वरी. ठीक है, मतलब जहाँ रिटर्न होंगे आपको दिक्कत नहीं होगी.
और समझा देती हूँ ऐसे, तो मॉक एपिक इसी वीडियो के जस्ट नीचे इसका पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है। तो मॉक एपिक जिसमें के अंदर ट्राइबल्स थिंग्स होती हैं, जिसके अंदर एक छोटे से इवेंट को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट करके दिखा दिया जाता है, तो वो चीज़ बच्चे क्या कहलाती है, मॉक एपिक कहलाती है, ठीक है। वो चीज़ क्या कहलाती है, मॉक एपिक कहलाती है। इसके अलावा इसकी जो बड़ी सी होती है ओड, इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका रूप होता है पोइट्री का वो होता है ओड। ओड होती है एक लॉन्ग पोएम हैविंग सीरियस सब्जेक्ट, हैविंग सीरियस सब्जेक्ट, एक बहुत बड़ी और लंबी सी पोएम जिसका बहुत ही सीरियस सा सब्जेक्ट होता है, वो चीज़ कहलाती है बच्चे ओड, ठीक है। एक लॉन्ग पोएम जिसका बहुत ही सीरियस सा सब्जेक्ट होता है तो वो चीज़ कहलाती है क्या, ओड कहलाती है, ठीक है। एक लॉन्ग पोएम हैविंग सीरियस सब्जेक्ट मैटर, एक लंबी सी लंबी लंबी लंबी, जैसे देखो एपिक तो क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेंथ ही होगा, जिसके अंदर रूल रेगुलेशंस मीटर पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, और एक बहुत बड़ी सीरियस लंबी सी पोएम जिसको पढ़ पढ़ के हम बोर हो जाते हैं, आप ये समझ लो। नेक्स्ट होती है सोनेट। नेक्स्ट जो पोइट्री की फॉर्म होती है बच्चे वो होती है सोनेट, SONET। सोनेट होती है हैविंग 14 लाइन्स पोएम, एक पोएम जो 14 लाइन्स की होती है, जिसके अंदर फिक्स 14 लाइन होती हैं, डेट इज़ कॉल्ड सोनेट्स। तो वो जो है वो चीज़ क्या कहलाती है, सोनेट कहलाती है। जो 14 लाइन की पोएम होती है वो सोनेट कहलाती है, ठीक है। सोनेट के अलावा होती है पेस्टोरल, PASTORAL। पेस्टोरल क्या होता है, जो गांव की लाइफ नहीं होती, जो शेफर्ड्स की लाइफ होती है, शेफर्ड्स होते हैं ना, एक गडरिए वडरिए जो गांव वाली लाइफ होती है, एक रूलर जो लाइफ होती है, एक शेफर्ड्स की जो लाइफ होती है, उसको लेके जो भी हम थीम या पोइट्री लिखते हैं वो चीज़ पेस्टोरल कहलाती है। वो चीज़ क्या कहलाती है बच्चे, पेस्टोरल कहलाती है, ठीक है। वो चीज़ क्या कहलाती है, पेस्टोरल। फिर एक होती है बैलेड, एक होती है बैलेड। बैलेड क्या होता है, जैसे कि एक डांसिंग ट्रूप होता है, जैसे बैंड नहीं होते, जैसे आस्तनम बैंड है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको, मतलब आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द सनम बैंड, बहुत बढ़िया गाने गाता है, जस्ट लव द सनम बैंड, बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे उसके गाने, पुराने पुराने गाने को जो गाने का तरीका है बड़ा मस्त है, ठीक है। मेरा मतलब वो होते हैं बैलेड्स, है ना, जो मतलब गाने की फॉर्म में पोइट्री करते हैं, मतलब वॉन्डरिंग सिंगर्स होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, वॉन्डरिंग सिंगर्स होते हैं, वॉन्डरिंग सिंगर्स ये घूमते रहते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, दे मूव हेयर एंड देयर एंड वॉन्डरिंग्स होते हैं और मज़े करते हैं और घूमते रहते हैं और घूमते घूमते पोइट्री क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया सनम बैंड वाला, तो ये क्या होते हैं, इन जो ये जो पोइट्री की फॉर्म होती है छोटी सी होती है और ये क्या कहलाती है, बैलेड कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, बैलेड कहलाती है। फिर है लिरिक, LYRIC, लिरिक। लिरिक क्या होती है, लिरिक होती है एक पोइट्री जो वो नहीं होती है, मतलब म्यूजिकल फॉर्म में एक छोटी सी क्यूट सी पोएम जिसको हम बोलते हैं, ए शॉर्ट म्यूजिकल पोएम, एक शॉर्ट म्यूजिकल जो पोएम होती है बच्चे वो क्या होती है, लिरिक होती है, ठीक है। ए शॉर्ट म्यूजिकल पोएम जो होती है वो क्या होती है, लिरिक होती है, ठीक है। ए शॉर्ट म्यूजिकल पोएम इज कॉल्ड लिरिक, ये क्या कहती है, लिरिक कहलाती है, ठीक है। फिर होती है IDYLL, आइडियल। ये भी एक रूलर, ये पेस्टोरल जैसी ही होती है, मतलब पेस्टोरल एक शेफर्ड्स की लाइफ पे बेस्ड एक गांव की पोएम होती है। आइडियल भी बिल्कुल उसी टाइप से होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेम सी होती हैं दोनों फॉर्म, ठीक है। आइडियल और पेस्टोरल ये सेम सी फॉर्म होती हैं दोनों की दोनों ही। और पोइट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो बहुत बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, डेट इज कॉल्ड एलिजी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिजी होती है लेमेंटेशन सॉन्ग, लेमेंटेशन सॉन्ग, लेमेंटेशन सॉन्ग समझते हो, किसी की डेथ के ऊपर जब एक सॉन्ग गाया जाता है, जब जैसे स्पॉज किसी की डेथ हो जाती है अपने डियर वन की, और उसकी डेथ के ऊपर जब कोई पोएट या कोई राइटर जब कोई पोइट्री लिखता है, कोई सॉन्ग लिखता है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है बच्चे, एलिजी कहलाती है। ए लेमेंटेशन सॉन्ग मतलब किसी की डेथ के ऊपर लिखा गया जो गाना होता है, जो सॉन्ग होता है, वो क्या कहलाता है, वो एलिजी कहलाता है, वो क्या कहलाता है, एलिजी कहलाता है। फिर है सटायर, सटायर सुना होगा आपने, व्यंग्य, ठीक है। सटायर क्या होता है, व्यंग्य, व्यंग्य क्या होता है, व्यंग्य मीन्स जिसमें आप सटायर करते हो, किसी के ऊपर कमेंट्री करते हो, जैसे हम किसी पे कमेंट्री करते हैं,
इनडायरेक्ट रूप से मान लो किसी की फॉलीज होती हैं। सटायर का मतलब ये नहीं होता डायरेक्टली किसी को ताना कसना, कहे बेटी को सुनाए बहू को, वो होता है भाई सटायर। मतलब डायरेक्टली आप किसी पे ताना नहीं कस सकते हो, ध्यान रखना। और तो वो चीज़ क्या होती है बच्चे, वो चीज़ कहलाती है सटायर कहलाती है, ध्यान रखना। तो मतलब इसके इसका जो मेन उद्देश्य होता है सोसाइटी की फॉलीज को, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको रिफॉर्म करना होता है, उनको रिमूव करना होता है, तो वो चीज़ क्या होता है सटायर होता है। जो सोसाइटी की फॉलीज होती है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हेन यू जस्ट वांट टू रिमूव दम, है ना, अकॉर्डिंग टू योर ओन वे, इट्स कॉल्ड सटायर। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सटायर कहलाती है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, दीज आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। द पोइट्री यू नो वेल, द पोइट्रीज आर लाइक पोएम्स एंड द फर्स्ट मेजर इज मॉक एपिक। मॉक एपिक इज अ सॉरी फर्स्ट इज एपिक। एपिक इज एन एक्स्ट्रावेगेंट स्टोरी डेट हैविंग एन अ ग्रेट सब्जेक्ट सीरियस मैटर एंड हैविंग एन अ मेजर कैरेक्टर हाई लेवल ऑफ सोसाइटीज के मेजर कैरेक्टर इनसे जो रिलेटेड होती है डेट इज कॉल्ड एपिक, वो एपिक कहलाती है। एंड द सेकेंड मेजर थिंग डेट आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मॉक एपिक। मॉक एपिक इज अ काइंड ऑफ एपिक, एपिक के काइंड ही होता है, बट इसके अंदर एक ट्रेवल सा इशू, एक शॉर्ट सा इशूज, एक सिंपल से इशूज को लेके हाई लेवल का बना दिया जाता है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में द रेप ऑफ द लोक बाय अलेक्जेंडर पॉप इज मॉक एपिक, ठीक है। बट यहाँ मैं टीचिंग के हिसाब से पढ़ा रही हूँ आपको, टीचिंग मैथोलॉजी जो आपको रीट में दी गई है उस हिसाब से, ठीक है। या एमपी टेट में भी आ जाता है क्वेश्चन, यूपी में भी आ जाता है। तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से पढ़ाया था तो बहुत डीप पढ़ाया था इनको, मतलब बहुत बहुत की थी हमने लिटरेरी फॉर्म्स हद से ज़्यादा, ठीक है। बट यहाँ इतना ही बहुत है, वहाँ तो मैंने हर राइटर से जुड़ी हुई इनकी फॉर्म्स कौन कौन सी थी ये सब भी करवाई थी, बट यहाँ जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर एलिजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजी पक्का आ जाती है, डेथ और लेमेंटेशन जो सॉन्ग होता है एलिजी होता है। सटायर एक कमेंट होता है जिसमें सोसाइटीज की फॉलीज को रिमूव किया जाता है। सोनेट हैविंग द 14 लाइंस पोएम, 14 लाइन की जो पोएम होती है वो 14 लाइंस की पोएम। वॉन्डरिंग सिंगर्स जो होती है वो बैलेड होती है। लिरिक इज अ शॉर्ट लिरिकल लव काइंड ऑफ पोएम होती है, वो लिरिक होती है, ठीक है। और जो मेजर इफ यू शेप ये पेस्टोरल होती है, और ये जो एलिजी होती है ये दो टाइप की होती है, एक सिंपल और एक पेस्टोरल। पेस्टोरल एलिजी बेसिकली शेफर्ड्स की लाइफ को डील करती है, और सिंपल एलिजी बेसिकली क्या होती है, सिंपल, ठीक है। ये हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री।